दोस्तों, मैं संगीता फ्रॉम होम मेकर्स रेजिम। आज मैं आपके साथ एक आइसक्रीम का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहले बेसिक बना रही हूँ। बेसिक आइसक्रीम हम बनाने के बाद उसके बाद हम जो भी फ्लेवर्स चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो हम बेसिक सीख लेंगे। बेसिक के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध हमें फुल क्रीम का चाहिए। फुल क्रीम दूध रहेगा तो वो आइसक्रीम अच्छा बनेगा। और उसे हम रूम टेम्परेचर में लिया हुआ है। कच्चा दूध है जिसको गर्म नहीं करना है। सीधा पैकेट से आप निकाल के कच्चा दूध को एक बर्तन में ले लीजिए। उसके बाद हम उसमें शक्कर डालेंगे। और आधा लीटर दूध में मैंने डाला है 7 टेबलस्पून शक्कर। इस तरह से हम स्पून को करके 7 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। दो और ये 7। उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से आइसक्रीम को अच्छा बॉडी मिलता है, अच्छा टेक्सचर मिलता है। अब इसका मेजरमेंट हम कैसा लेंगे? आप जब मेजरिंग स्पून लेंगे हर बेकिंग या आइसक्रीम या कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उसको मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट अगर आपने बराबर लिया तो कभी भी गलती नहीं होगी, अच्छा बनेगा। ये मेजरिंग स्पून अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 4 तरह के स्पून के मेजर्स आएंगे। 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून। अब ये चारों का मैंने 1 टीस्पून करके कॉर्नफ्लावर लिया है। दो इंग्रेडिएंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमको ये आइसक्रीम के लिए, जो बाजार के आइसक्रीम जैसा बनता है, जो फैक्ट्रीज में बाहर जो बनता है आइसक्रीम वो लोग इसे यूज करते हैं, GMS और CMC पाउडर। CMC मतलब है कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज। ये एक सेटर का काम करता है। ये थिकनर है, स्टेबलाइजर है और ये आइसक्रीम को अच्छी तरह से सेट करता है। और प्रोफेशनली फैक्ट्रीज में बिस्किट्स बनाने में, आइसक्रीम बनाने में या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बनाने में यूज होता है। दूसरा है GMS। GMS पाउडर जो है उसको कहते हैं ग्लाइकोरॉल मोनोस्टीरेट पाउडर। ये भी थिकनिंग का काम करता है, इमल्सिफाइंग फॉर सॉल्वेंट्स है, जो सारे सॉल्वेंट्स को बराबर से इमल्सिफाई करता है। एंटी केकिंग है, जो अपना स्मूथनेस रखता है, सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनर है, आइसक्रीम को सॉफ्ट रखता है। और प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो आइसक्रीम को हम लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा दिन के लिए जो प्रिजर्व करके रखते हैं उसका ये काम करता है। ये दोनों पाउडर अगर आप डालें तो आइसक्रीम एकदम बाजार की तरह बनता है। और ये हर बाहर जो आइसक्रीम हम जो खाते हैं उसमें ये डाला जाता है। तो इसका मैंने मेजरमेंट आपको अभी बताना है। GMS जो है वो हम इसी मेजरिंग स्पून से डालेंगे। हर स्पून को एक बार गिन के डालेंगे। जैसे कि अभी मैंने पहला लिया है 1/4, ये हो गया 1/4। उसके बाद दूसरा स्पून है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून। तीसरा हो गया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। और चौथा है बड़ा वाला बिग टेबलस्पून, वो भी बड़ा टेबलस्पून। इस तरह से फ्लैट कर लीजिए और ये डाल दीजिए। CMC हमें 1/2 टीस्पून डालना है। इस तरह से देखिए ये हो गया 1/2 टीस्पून। ये जो हमने सब डाल दिया है इसको ठीक तरह से मिला लीजिए।
इसमें लम्प ना रहे, इसीलिए हमने ठंडा दूध लिया है। ठंडे में ये जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है उसमें ये सारा इंग्रेडिएंट मिला लिया। मिलाने के बाद ठीक से फिर गैस लगा लेंगे और गैस में इसे बॉईल आने तक पहले पकाएंगे। गैस पर पकाते वक्त स्लो फ्लेम रखिए और इसे कंटिन्यूस हिलाते रहिए, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा और वो स्मेल आएगा बाद में और ये जल्दी लंप भी लग पड़ जाएंगे। इसमें लंप भी पड़ जाएंगे तो इसमें हमने सारे पाउडर्स जो डाले हैं इसका लंप पड़ जाएगा और फिर नीचे दूध लग जाएगा, इसलिए इसे कंटिन्यूस हिलाना जरूरी है। और जब बॉइल आ जाए पूरा दूध में, उसके बाद इसको और एक मिनट तक पकाना है। ये देखिए ये ऐसे बॉइलिंग होने लग गया है, ये पूरा बॉइल होगा और इसे हम हिलाते हुए एक मिनट तक बॉइल करेंगे। ठीक हो गया है और फिर इसे बंद करके, गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के वक्त भी इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो लंप ना पड़ जाए। अब मैं गैस बंद कर लूंगी, गैस बंद कर दिया, लेकिन मैं इसे हिलाते रहूंगी एक मिनट तक ताकि वो दूध नीचे लगे ना और लंप ना पड़े। और ठंडा होने के बाद इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीजर में रख देंगे। अब इसे फ्रीजर में रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। ये देखिए आधा लीटर का आधा मैंने निकाल लिया है और इसको हम हैंड मिक्सर के हेल्प से चर्ट कर लेंगे। हाफ क्वांटिटी का हाफ है जिससे इतना आइसक्रीम बनता है। अब इसमें हम वैनिला एसेंस डालेंगे। हाफ टीस्पून मैंने इसमें वैनिला एसेंस डाला है और हम इसमें ओरियो बिस्किट्स, इसमें से 10 बिस्किट्स मैंने मिक्सी से निकाल लिया है और वो मैंने इसमें मिक्स करना है। एक बार फिर से इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से क्लीन कर लीजिए, ठीक से एक बार मिक्स करके इसे एक कंटेनर में
एयर टाइट कंटेनर में फिर से इसे डालकर हम फ्रीज करने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटा फिर से इसे फ्रीज करना जरूरी है। इसको आप चाहिए तो फिर से थोड़ा बिस्किट का पाउडर से डेकोरेट कर सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं, जैसे भी आपको डेकोरेट करना है करके इसको फ्रीजर में रख दीजिए। 8 से 10 घंटा या मेरे ख्याल से 6 घंटे में भी सेट हो जाएगा। उसके बाद ये आइसक्रीम रेडी है। आइसक्रीम बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइसक्रीम को जब हम चर्न करते हैं जिस बर्तन में, उसे हम पहले फ्रिज में रख के कुछ देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। दूसरी बात, हर इंस्ट्रूमेंट या बर्तन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ, जिसमें पानी का एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। अब जब हम रखते हैं तो पानी जम जाता है, फ्रीजर में रखने के बाद पानी जम जाता है, तो आइस क्रिस्टल फॉर्म होने का खतरा रहता है। ऐसे वक्त पर हम इसे हमेशा पोंज के ड्राई करके इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर लगा के फिर बंद कर सकते हैं। इससे वो क्रिस्टल होने का, क्रिस्टलाइजेशन का खतरा कम हो जाता है। अब हम सेकंड आइसक्रीम, दूसरा आइसक्रीम जो बना रहे हैं वो हम बनाएंगे वेनिला। पहला हमने ओरियो बनाया है, अब बनाएंगे वेनिला। बीट करते वक्त इसका पावर फुल होना चाहिए। पहले इसे रख दीजिए। पेपर ऐसे अगर हम रखेंगे तो इसमें जो वाटर वेपर इसमें जम जाता है वो नहीं जमेगा और अपना आइसक्रीम क्रिस्टलाइज नहीं होगा। इसमें जो बर्फ जम जाती है ना वो नहीं होगी। इस तरह से हम इसे पैक करेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। 8 घंटे बाद अपना आइसक्रीम तैयार।